अभी पता नहीं शर्ट के अंदर क्या आ गया। अभी हम जस्ट बाहर ही निकले थे तो अचानक से गाड़ी चलाते वक्त शर्ट के अंदर कुछ कीड़ा या कुछ अंदर चला गया है। हे वसो का वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। हर का जब मैं सुबह से ना कर आ चुका हूँ और अभी हम प्लान कर रहे हैं भुवनेश्वर जाने का। थोड़ी देर का काम है तो जल्दी से सारा काम निपटा के आने वाले हैं। आज हमारे वैसे भी गांव पे फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो इसे अभी रेगुलरली नियर अबाउट 7 to 8 days का भी टूर्नामेंट चलने वाला है। तो जल्दी से सारा काम निपटा के तो अभी हम आते हैं। मैं भी नहाकर भी आ गया हूँ तो जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर उसके बाद अभी पहले भुवनेश्वर चलते हैं, उसका सारा काम कंप्लीट करके तो घर अभी वापस आते हैं। और गाड़ी पूरा फॉग की वजह से ये पूरा गंदे होकर रहता है। एक्चुअली हम लोग का गाड़ी बाहर ही रहता है, पूरा इसलिए गंदे हो जाते हैं। तो अभी पूरा गाड़ी अभी मैं वाइपर लगा के पूरा साफ कर लिया हूँ और अभी गाड़ी पार्क था तो मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। और दादी भी हमारे बाहर खड़े हुए और मैं गाड़ी भी बाहर ही रख लिया हूँ, अंदर लेना भूल गया था। और अब अभी बाहर है, किसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो जैसे अभी अंदर आते हैं तो अभी हम सीधे भुवनेश्वर के लिए निकलते हैं। और अभी गाइस तस्दीक भी आज एक्चुअली हमारे साथ जाने वाला था भुवनेश्वर, बट आज हमारे गांव पे फुटबॉल मैच है तो इसलिए अभी तस्दीक हमारे साथ नहीं जाएगा भुवनेश्वर। सिर्फ मैं, अब्बू और अंकल, अभी हम अंकल को खुर्दा से पिकअप करने वाले हैं मार्केट से, तो लेके हम लोग तीनों आज भुवनेश्वर जाने वाले हैं। तो सारा काम जल्दी जल्दी से कम्प्लीट करके फिर अभी घर आते हैं। अगर मैं जल्दी आ गया तो आज फुटबॉल मैच देखने जा भी सकते हैं। अभी तो रेगुलरली अभी आज से शुरू हुआ है, अभी 6-7 रोज अभी चलेंगे मैच। बस खुर्दा से अभी भुवनेश्वर हम आए थे तो मेनली जो रीज़न था बस एक ग्रिप लेने के लिए, तो टूट गया है और अभी एक ग्रिप ले लिए क्योंकि खुर्दा में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये कमोड का था तो यहीं से अभी हम लोग का कमोड लिया था क्योंकि वो टूट गया था, उसका ग्रिप टूट गया था, तो ये लेने अभी ले लिए। और बाकी कुछ काम है, मतलब मेन और भी काम है बट मेनली ये काम था क्योंकि ये कल रात में पूरा ढूंढे तो ये मार्केट में, खुर्दा मार्केट में नहीं मिला, तभी भुवनेश्वर आके ये ले लिए। तो चलिए फिर और बाकी अभी काम सारा निपटा लेते। अब ये ट्रेन कितना खतरनाक है, कोई अभी ऐसे मतलब अनजान में ऐसे अगर आता होगा तो वो पूरे उसके अंदर ही चला जाएगा। अभी पता नहीं शर्ट के अंदर क्या आ गया, अभी हम जस्ट बाहर ही निकले थे तो अचानक से गाड़ी चलाते वक्त शर्ट के अंदर कुछ कीड़ा या कुछ अंदर चला गया है, तो बहुत तेज़ का अभी वो अंदर घूम रहा है तो पता नहीं क्या अंदर गया और वो अंदर गया कैसा वो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, वो अंदर गया कैसा वो भी हमको पता नहीं है। तो एक बार मैं निकाल लेता हूँ तब पता चलेगा अंदर है क्या, तो एक बार सा निकालता हूँ और देखता हूँ अंदर है क्या। अरे यार मेरे को भी ये डाउट था कि ये बटरफ्लाई है, ये देखिए बटरफ्लाई अंदर चला गया, तो ये आया अंदर कहाँ से मेरे को पता नहीं है। और गाइस ये रहा बटरफ्लाई शर्ट के अंदर, पता नहीं ये कहाँ से आया, तो ये जिंदा भी है चला गया उड़कर और बटरफ्लाई के चक्कर में घड़ी गिरती गिरती बच गया। अगर ये सीधे नीचे जाता तो ही ये टूट जाता इसका ग्लास, तो ये कैसे पोज में भी आके गिरा है, यहाँ से निकल कर पूरे सीधे यहीं पे आके गिरा, बच गया अपना भी घड़ी। बोलते हैं ना कुछ अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और गाइस जब कल से हमारे गाँव पर भी फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया था तो अभी मैं आया हूँ अपने ग्राउंड पर, तो ये रहा अभी टूर्नामेंट शुरू हो गया, अभी शाम हो गया और वैसे भी गेम एंड होने वाला है, तो अब शाम के 5 बज गए और आई होप अभी गेम एंड होने वाला है। तो चलिए फिर गाइस अभी को यहाँ से अभी 10-15 मिनट में निकल के फिर अभी नमाज़ पढ़ने चलते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस, चलिए फिर देख लेते हैं पहले मैच दिखाता हूँ आपको। Thank you.
और मैं एक सबसे अच्छा क्लिप मिस कर दिया वहाँ पे, एक ये वाला गोल पे उस पर एक गोल हुआ था वो क्लिप में मिस कर दिया, बट वो वाला सबसे क्रिटिकल शॉट था वो सबसे ही अच्छा लगा। अभी गेम एंड हो गया तो अभी विनर है, अभी देखिए दो ड्रेस पे, ऐसे तो बोलूँगा समझ नहीं पाएंगे, दो ड्रेस पे, एक वाइट ड्रेस और एक ब्लू ड्रेस है जो कि विनर है, ब्लू ड्रेस वाला ही विनर है। और यहाँ कल के बैडमिंटन मैच के लिए और आज अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है अभी से, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं देख लो, ये पबजी खेल के, कल पबजी का टूर्नामेंट भी है ना, कल पबजी का टूर्नामेंट भी है हमारे यहाँ पे, 4 किलो का 12 किलो का खसी, पूरा फुल नाइट प्रैक्टिस चल रहा है अभी कल के बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए। इतना प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस कर करके सारा नेट में होल आ गया, बड़ा बड़ा होल आ गया, बहुत प्रेशर फोर्स रहता है मार में, इसलिए पूरा मेहनत और मुशक्कत के साथ लगे पड़े। यहाँ बैडमिंटन के साथ साथ सब पबजी में ही बिजी है, तो सब सीरियस मूड में, सब पूरा सीरियस है, फिलहाल सब बिजी है। तो गाइस अब रात के 10:30 बज रहे हैं, तो अभी बैडमिंटन आज कंटिन्यूसली खेल कर अभी आ रहा हूँ, तो पूरा मज़ा आ गया, जब खेलते हैं तो पूरा कंटिन्यूसली 2-3 मैच अगर हम लोग खेलते तो मज़ा, तो गाइस मज़ा आ जाता है। तो कल वैसे भी हम आज फुटबॉल का मैच था, कल अपने गांव पे बैडमिंटन का मैच है, मज़ा आ जाएगा कल, और उसे मैं नहीं खेल रहा हूँ, बाकी सब जितने भी, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, और बाकी सब जितने दोस्त हैं सब खेल रहे हैं। तो चलिए फिर गाइस मैं जल्दी से फ्रेश होता हूँ और उसे भूख लग रहा है, तो पहले चलिए मैं डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। हे एवरीवन, और गाइस जैसे कल रात में डिनर करने के बाद मैं सोचा कि ब्लॉग बनाऊंगा, एडिट भी रात में नहीं कर रहा था, एडिटिंग बात तो दूर है, ब्लॉग भी नहीं बना पाता जैसे डिनर करता हूँ, बहुत तेज का नींद आता है, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। तो रात के कल वैसे भी लेट हो गए थे, 10:30 बजे मैं ब्लॉग लास्ट ब्लॉग बनाया था, फिर डिनर करते करते कल रात का 12 बज गए, फिर सो गया और ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और वैसे भी गए अभी सुबह से उठ के मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर लिया, आज भी वैसे बैडमिंटन मैच होने वाला है हमारे गाँव पे, तो वो ब्लॉग भी आज बनाने वाला हूँ, और कल का फुटबॉल मैच। होप यू गाइस लाइक दैट, होप यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, हम वापस मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली से ख्याल रखिए, वीडियो सुनिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग, टिल देन गुड बाय। every beating of my heart in words.